दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं वह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और चौंक जाएंगे कि जो हनुमान जी महाराज युगों युगों से भगवान श्री राम की भक्ति में लीन है वह शादीशुदा है। वह हनुमान जी महाराज जिन्हें समस्त संसार बाल ब्रह्मचारी कहता है वह विवाहित है, उनकी पत्नी है। दोस्तों अब आप यह बात सुनकर अचंभित हो गए होंगे और आपके मन में कई सवाल पैदा हो गए होंगे कि आखिर हनुमान जी महाराज की पत्नी कौन है, उनकी पत्नी का नाम क्या है, आखिर शादीशुदा होने के बाद भी हनुमान जी महाराज को बाल ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है, और अगर हनुमान जी महाराज की पत्नी विद्यमान है तो उनका मंदिर कहां पर है। दोस्तों ऐसे कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब पाने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों एक विशेष बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप यह चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज आप पर प्रसन्न हो जाएं और आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दें तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको श्री रामचरितमानस की एक ऐसी परम शक्तिशाली चौपाई बताऊंगा कि जिसका जाप अगर आप करते हैं तो हनुमान जी महाराज आपके वश में हो जाएंगे, आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन आपको धैर्य पूर्वक इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको सबसे पहले सवाल का जवाब यह बताता हूं कि हनुमान जी महाराज की पत्नी का नाम सुवरचला देवी है। और दोस्तों हनुमान जी महाराज एक ऐसे मंदिर में अपनी पत्नी के साथ विद्यमान है जो मंदिर इस पूरे संसार में मात्र एक ही मंदिर है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों हनुमान जी और सुवरचला देवी का मंदिर तेलंगाना में खम्मम जिले के येलनाडु गांव में स्थित है। दोस्तों यह मंदिर कई वर्षों से आकर्षण का केंद्र रहा है, दूर दूर से लोग पति पत्नी इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं क्योंकि इस मंदिर की एक विशेषता है, एक मान्यता है कि अगर कहीं भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है, बनती नहीं है, तो इस मंदिर में हनुमान जी महाराज के और सुवरचला देवी के दर्शन करने मात्र से वह झगड़ा समाप्त हो जाता है। यहां तक कि अगर पति पत्नी के बीच में तलाक की नौबत भी आ गई है तो आप हनुमान जी के इस मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए, वह तलाक की नौबत समाप्त हो जाएगी। दोस्तों अब आप यह सोच रहे होंगे कि हनुमान जी महाराज शादी के लिए तैयार क्यों हो गए, या आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से हनुमान जी महाराज को शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों मैं यह बात भी आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। हनुमान जी महाराज सूर्य देव भगवान को अपना गुरु मानते थे और सूर्य भगवान पर 9 दिव्य विद्याएं थी जिनको ग्रहण करने के लिए हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान के पास गए। सूर्य भगवान ने वह दिव्य विद्याएं प्रदान करना शुरू कर दिया।
एक दो तीन चार पांच, पांच दिव्य विद्याएं सूर्य भगवान ने हनुमान जी महाराज को प्रदान कर दी। लेकिन अब शेष चार दिव्य विद्याएं बची। उन विद्याओं को देने के लिए सूर्य भगवान के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। वह धर्म संकट क्या था कि वह शेष चार विद्याएं केवल विवाहित शिष्यों को ही दी जा सकती थी और हनुमान जी महाराज अविवाहित थे, बाल ब्रह्मचारी थे। अब सूर्य भगवान ने हनुमान जी महाराज के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर आप यह शेष चार विद्याएं प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शादी करनी पड़ेगी। पहले तो हनुमान जी महाराज ने मना कर दी कि गुरुदेव हम शादी नहीं कर सकते, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। लेकिन जब सूर्य भगवान ने वह चार दिव्य विद्याएं देने से मना कर दिया कि अगर आप विवाह नहीं करेंगे तो यह शेष विद्याएं हम आपको प्रदान नहीं करेंगे, तो हनुमान जी महाराज मजबूर होकर शादी के लिए तैयार हो गए। अब शादी के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन हनुमान जी महाराज के योग्य कोई कन्या तो विद्यमान हो? संसार में छोड़िए, तीनों लोकों में हनुमान जी महाराज के योग्य कोई कन्या विद्यमान नहीं थी। तब सूर्यदेव भगवान के तेज से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई और उसका नाम सुवर्चला देवी था। दोस्तों, अब हनुमान जी महाराज को सूर्य भगवान ने कहा कि आप ये सुवर्चला से शादी कर लीजिए। अब मैं बीच में आपको एक बात और बता दूं कि जब हनुमान जी महाराज ने शादी कर ली तो वह बाल ब्रह्मचारी कैसे रह गए? तो सूर्य भगवान ने उसी समय हनुमान जी महाराज को यह स्पष्ट कर दिया कि यह सुवर्चला कन्या जो प्रकट हुई है यह किसी के गर्भ से नहीं जन्मी है। और दूसरी बात, आपसे विवाह करने के पश्चात तुरंत ही यह अपनी तपस्या में लीन हो जाएगी, जिस कारण आपका ब्रह्मचर्य भंग नहीं होगा और आप सदा बाल ब्रह्मचारी ही बने रहेंगे। दोस्तों, हनुमान जी महाराज ने सुवर्चला देवी से विवाह कर लिया और उसके पश्चात सुवर्चला देवी अपनी तपस्या के लिए चली गई और हनुमान जी महाराज का ब्रह्मचर्य भंग नहीं हुआ, वह बाल ब्रह्मचारी बने रहे और शेष चार दिव्य विद्याएं भी सूर्य भगवान ने हनुमान जी महाराज को प्रदान कर दी। दोस्तों, अब एक बात और सामने आती है कि आप में से कुछ पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग कहेंगे कि हनुमान जी महाराज अगर शादीशुदा हैं तो क्या इस बात की कोई प्रामाणिकता का उल्लेख है कहीं? तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि पाराशर संहिता में हनुमान जी महाराज के विवाह का उल्लेख विद्यमान है, आप उसमें देख सकते हैं। दोस्तों, अब जैसा कि मैं पूर्व में आपको कह चुका था कि मैं आपको श्री रामचरितमानस की एक ऐसी परम शक्तिशाली चौपाई बताऊंगा जिस चौपाई का जाप अगर आप श्रद्धा पूर्वक और मेरी बताई विधि के अनुसार करते हैं तो हनुमान जी महाराज आप पर इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि जैसे वह आपके वश में हो गए हैं और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, इस चौपाई का जाप आपको मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन प्रारंभ करना है और आप इसका जाप निरंतर भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो मंगलवार
और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। जब आप इस चौपाई का जाप करेंगे तो आप लाल रंग के वस्त्र पहनेंगे, आप लाल रंग के आसन पर ही, जो कंबल है वह लाल रंग का होना चाहिए, उस पर बैठकर ही आप जाप करेंगे। संभव हो सके तो आप हनुमान जी महाराज का चोला चढ़ाएं और उनकी पूजा करें, और अगर चोला नहीं चढ़ा सकते तो आप उनको पुष्प अर्पित करें और जो धूप दीप जिससे भी आप उनकी पूजा करना चाहते हैं पूजा करें। और आप इस चौपाई का जाप लाल चंदन की माला से करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप मंगलवार और शनिवार के दिन इस चौपाई का जाप करते हैं और अगर आप निरंतर 10,000 जाप कर लेते हैं तो यह चौपाई आप पर सिद्ध हो जाएगी, और आप इस चौपाई को 11 बार पढ़कर जो भी कह देंगे वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब दोस्तों, इस चौपाई को ध्यान से सुनिए। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। जय श्री राम।